गुड मॉर्निंग क्लास है। आज मैं आपको साइंस में चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर पढ़ाऊंगी। सबसे पहले इसमें फोर्स, तो इंट्रोडक्शन ऑफ ए फोर्स। फोर्स क्या है आपके, ना कैसे अप्लाई करोगे, क्या कारण होता है, व्हाट कॉज ऑफ ए मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन का कारण क्या होता है, व्हाई आर दिस टाइप ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन मोशन फॉर्म, किस तरीके से आता है। तो इसी में ये है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स यूज करते हैं, या इस तरीके से कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ स्टेशनरी बॉडी मूव। किसी भी स्टेशनरी बॉडी को मूव करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एक फोर्स की, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। इसके एग्जांपल इस तरीके से शो कर सकते हो आप, या इस तरीके से फाइंड कर सकते हो कि कोई भी, जैसे आपका कोई बॉल है ग्राउंड में है, क्या है कि बिना एक स्टेट फॉर्म में है, तो वो मूवमेंट में कब आएगा, जब आप क्या करोगे, उसको पुश करोगे या पुल करोगे, ठीक है। तो बॉल को मूविंग कंडीशन में लाने के लिए क्या करा है आपने, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। सो दैट द एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ स्टेशनरी बॉडी मूव। अब फोर्स, व्हाट इज अ फोर्स, फोर्स क्या है, पुल एंड पुश। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो किस कंडीशन में आता है, मूविंग कंडीशन में आता है, ठीक है। पुश एंड पुल इज कॉल्ड अ फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करने में हम क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। तो फोर्स इज अ पुश और पुल दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट, जब फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ ऑब्जेक्ट, इट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ स्टेट, ठीक है। ये क्या है, इस समय बिना मूविंग के एक जगह पे क्या है, ये स्टेशनरी फॉर्म में है। तो ये क्या है, मूवमेंट कब होगा, इस स्टेट ए से बी तक कब तक मूव करेगा, जब हम इसमें क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। तो हमने इसको पुल पुश करा है, ठीक है। इस बॉल को हम क्या करते हैं, पुश करते हैं। पुश करने के बाद हम इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट में क्या करते हैं, इसके जो सिचुएशन है, ठीक है, उसको हमने चेंज करा है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये क्या है, ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट में मूव करता है। सो दैट वी कॉल कि मूव हमने पुश करने के बाद या एक्सटर्नल फोर्स लगाने, एक्सटर्नल इसमें क्या है, वर्क करने के बाद हमने इसके जो सिचुएशन है उसको क्या किया है, चेंज किया है। सो दैट वी कॉल कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम क्या करते हैं पुश या पुल करते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, उसके जो प्राइमरी सिचुएशन है उससे हमने उसको क्या कर दिया है, उसकी सिचुएशन से उसको हटा दिया है। तो सो दैट वी कॉल इट अ फोर्स, ठीक है। फोर्स इज अ पुश और पुल दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या कह सकते हैं इसके शेप को चेंज किया है हमने, शेप फोर्स के ही थ्रू हम इसके शेप को चेंज करते हैं। जस्ट लाइक आपका कोई बैलून है ना, कि हवा से भरा हुआ बैलून है, अगर हम क्या करते हैं, उसे हल्के से पुश करते हैं, तो उसके शेप में चेंज हो जाता है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हमने उस पे फोर्स अप्लाई करने के बाद उसके शेप को चेंज कर दिया है, ठीक है। तो फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरसेप्शन, इसके अलग अलग वो है आपके फोर्स के, क्या है कि अलग अलग टाइप से हम क्या करें, कि अब इसमें क्या है कि अगर हम कोई चीज है, ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, इसको क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। अगर हमने इस डायरेक्शन में फोर्स किया, तो इसका मूवमेंट किधर होगा, किस साइड मूव करेगा, इस साइड में क्या होगा, ये मूव करेगा। बट अगर हम बहुत साइड से अगर इसमें क्या करें, उस समय जब हम क्या करेंगे, एक डायरेक्शन में मूव फोर्स लगाएंगे, तो ये क्या करेगा, अपने जो इसका प्राइमरी स्टेट है उससे क्या होगा, ये इसके स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो ये यहां से पॉइंट ए से बी तक मूव करेगा। बट हम क्या करते हैं, अगर दोनों साइड
बैलेंस, अगर दोनों दोनों फोर्स बैलेंस है, क्या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं फोर्स एवर टू टाइप बैलेंस ऑन अनबैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस है यानी कि अगर इधर से भी आपका क्या है ए फोर्स लगता है, इधर से भी ए फोर्स लगता है, दोनों की क्या है इक्वल है, फोर्स दोनों इक्वल है, तो जो ये ऑब्जेक्ट है ये अपने ही क्या होगी जगह पर सिचुएटेड रहेगी। बट अगर ऐसा होता है कि ए डायरेक्शन से ज्यादा फोर्स लगता है, बी से लेस लगता है, तो ए डायरेक्शन क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है किधर की तरफ मूव करेगा, बी डायरेक्शन की ओर मूवमेंट होगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं फोर्स क्या होता है बैलेंस और अनबैलेंस्ड भी होते हैं। ठीक है, अब टाइप ऑफ फोर्स, आपके दो तरीके के फोर्स होते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा होता है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इस तरीके से कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होगा आपका, कुछ जब भी हम किसी भी कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या करें कि फोर्स अप्लाई करें, तो उसके लिए हमें कांटेक्ट में रहना पड़ेगा उसके, यानी कि टच करके फोर्स या पुल करके उसको क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ इस तरीके से फोर्स होते हैं जिनमें हमें क्या है कि कांटेक्ट में नहीं रहना पड़ता। ठीक है, उसको अप्लाई करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत, आपको किसी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो क्या कहलाएगा नॉन कॉन्टैक्ट। सिर्फ इस तरीके से कह सकते हैं हम कि अब कॉन्टैक्ट फोर्स भी आपके दो आपके अलग अलग तरीके के होते हैं। इसमें पहला है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स में क्या होगा कि जो भी है किसी भी चीज को आपको लिफ्ट करना है, उसके लिए क्या है आपको हैंड की इस तरीके से की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए क्या है आपको क्या है अपने बॉडी पार्ट्स का यूज करना पड़ता है। तो बॉडी पार्ट का यूज करने के लिए क्या करोगे, आपका क्या हो रहा है मसल्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है, जब आपने किसी बॉडी पार्ट का यूज करा है तो सो दैट इट कॉल द मस्कुलर फोर्स। ठीक है, तो बाय द एक्शन ऑफ अ मसल्स इन अवर बॉडी द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन मसल्स इज नॉट द मस्कुलर फोर्स। दूसरा इसमें है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है आपका कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्या करते हो आप पुल करते हो, है ना, तो पुल करने में आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है, या कि जब भी हम उसमें अप्लाई करते हैं तो उसके क्या है अपोजिट जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट भी हम पर एक फोर्स लगाता है ना अपोजिट साइड में, तो इससे क्या होगा कि द फोर्स रिस्पॉन्सिबल द चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑल दीज। ठीक है, कि इस तरीके से उसके जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के थ्रू भी क्या हो रहा है फोर्स लगाया जा रहा है, तो ये क्या कहलाता है आपका फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बिना बॉडी पार्ट को कनेक्ट करके हम क्या करते हैं हमें कुछ फोर्स फाइंड होते हैं, उसमें क्या है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में क्या है आपका